स्मोग बन गया रोग। शहर में स्मोग ने आहिस्ता आहिस्ता पंजे गाड़ने शुरू कर दिए। सुबह से दोपहर हो गई, सूरज की शक्ल नजर ना आई। अगले हफ्ते से पहले बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। स्मोग से जान भी नहीं छूटने वाली। फजाई आलूदगी ने लाहौर का दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। शहर में मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 405 से तजावज कर गया। गार्डन टाउन में सूरत हाल और भी खराब। एयर क्वालिटी इंडेक्स 471 की सतह पर पहुंच गया। अपर मॉल पर 405, गाजी रोड के इलाकों में 425 और बेदिया रोड पर 281 की सतह पर है। बैन अल-अक़वामी इदारा माहौलियात के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स की हद 250 है। 300 की हद क्रॉस करने पर एमरजेंसी लगाना पड़ती है। स्मोग के तदारुक के लिए इकदामात ना करने पर अदालत भी बरहम। शहर में स्मोग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है मगर हुकूमत जवाब दाखिल कराने से कासिर है। लाहौर हाई कोर्ट, अदालत का चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी माहौलियात को दोबारा नोटिस, जवाब दाखिल करवाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत आगाह करे कि स्मोग के तदारुक के लिए क्या इकदामात किए गए। जस्टिस मुजम्मल अख्तर। साबिक वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ के अकाउंट का 500 सफात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड नैब को जमा करवा दिया गया। HBL बैंक का नुमाइंदा नैब में रिकॉर्ड समेत पेश। नैब शहबाज शरीफ और उनके दोनों बेटों के असासों के हवाले से तहकीकात कर रहा है। हबीब बैंक से अकाउंट की तफसीलात तलब की गई थी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की लाहौर नैब ऑफिस आमद। डीजी नैब शहजाद सलीम की बड़े करप्शन केसेस पर चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग। चेयरमैन ने जरूरी हिदायत जारी की। ईडन हाउसिंग के मुतासरीन एक मरतबा फिर नैब ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुतासरीन के प्ली बार्गेन नामंजूर के नारे। डॉक्टर अमजद को गिरफ्तार करो के नारे लगाए गए। चेयरमैन नैब ने मुतासरीन के चार रुकनी वफद को दफ्तर के अंदर बुला लिया। तनख्वाहें ना मिलने पर शाहीन एयरलाइन के पायलट, केबिन क्रू और दीगर स्टाफ सड़कों पर आ गया। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, मुजाहिरीन की नारेबाजी, फौरी तनख्वाहें दिलवाई जाएं। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। PHA की जानिब से जिम और हेल्थ क्लब बंद करने पर शहरी के बॉडी बिल्डर सरापा एहतजाज बन गए। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा किया, बंद किए गए जिम फौरी खोले जाएं, मुजाहिरीन का मुतालिबा। 45वीं कॉमन के जेरे तरबियत पुलिस अफसरान की आईजी ऑफिस आमद। AIG ऑपरेशंस उवैस मलिक ने ASPs को ब्रीफिंग दी। वफ्त को ऑफिस में शिकायत सेल और दीगर शोबों का दौरा भी करवाया गया। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की अफसरान को मेहनत और लगन से काम करने की तलकीन। गद्दारी के साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और सहाफी सिरिल अल्मेडा लाहौर हाईकोर्ट पेश। एहतसाब अदालत पेशी के बायस नवाज शरीफ पेश नहीं हुए। क्या नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी है? आइंदा समाअत पर नवाज शरीफ आए या फिर दरख्वास्त दें? जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में तीन रुकनी फुल बेंच का हुक्म। समाअत 19 नवम्बर तक मुलतवी। केस में कोई जान नहीं। नैब जो कर रहा है सारा मुल्क देख रहा है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर हाई कोर्ट पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद ना करने पर बरहम। 6 नवंबर 2017 का हुक्म था, अमल क्यों नहीं हुआ? अब तक पब्लिक सेफ्टी कमीशन क्यों नहीं बने? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अनवारुल हक, पिछली हुकूमत में वज़ीर-ए-आला को समरी भिजवाई थी लेकिन मंजूर नहीं हुई। सरकारी वकील, इस हुकूमत को क्या मसला है, क्यों अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ? जस्टिस अनवारुल हक ने सेक्रेटरी कानून को 22 नवंबर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। सरकारी अराजी वागुजार ना करवाने पर लाहौर हाईकोर्ट के अफसरान बरहम। DC गुजरांवाला की सरजनश, चीफ सेक्रेटरी साहब अफसर इतने काबिल होते तो आपको बुलाने की जरूरत पेश ना आती। चीफ सेक्रेटरी नसीम खोकर के पेश होने पर अदालत के रिमार्क्स,
जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने चीफ सेक्रेटरी को कश्मीर कॉलोनी गुजरावाला की सरकारी अराजी वागुजार करवाने का हुक्म दे दिया। सियालकोट से कोयला निकालने से मुतालिक केस की समाअत डीसी सियालकोट और असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस अदालत में पेश। आप लोगों ने शहरियों को फंसा कर रख दिया है। हाई कोर्ट डीसी और असिस्टेंट डायरेक्टर पर बरहम। किस कानून के तहत आपने कॉन्ट्रैक्टर के काम में रुकावट डाली? कानून के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। जस्टिस अमीर भट्टी डीजी माइंस 14 नवंबर को तलब। अगर कहीं दोबारा तजावुजात कायम हुई हैं तो निशानदेही करें। सीनियर वजीर अलीम खान ने अवाम से अपील कर दी, कहते हैं मेट्रो ट्रेन चलेगी। मंसूबे के लिए 300 अरब किसी के घर से नहीं आए। शहबाज हुकूमत ने परवेज इलाही के मंसूबे रोके, हम ऐसा नहीं करेंगे। पंजाब को क्लीन एंड ग्रीन बनाकर दम लेंगे। मीडिया से गुफ्तगू। मिशन क्लीन लाहौर 41वें रोज लंडा बाजार, लोहा मार्केट और दीगर इलाकों की बारी। अमले ने छोटी और बड़ी मशीनरी से थड़े, शेड्स और दीगर तजावुजात मिसमार कर दी। अचानक ऑपरेशन पर लंडा बाजार में तजावुजात के जिम्मेदार मुंह तकते रह गए। लेस्को कहना सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डायरेक्ट सप्लाई लगाकर बिजली चोरी करने वाले दो बिजली चोर रंगे हाथों गिरफ्तार। 6 ने मौका से दौड़ लगा दी। जिले इंतजामिया की टीमें और पुलिस की भारी नफरी ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां उरूज पर। गणपत रोड पर सजावटी अशिया की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स पर शहरियों का रश। फजा दरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर हो गई। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी को वर्दी पर बैजेस और रिबन गलत लगाने पर तंकीद का सामना। अपने ही फोर्स के अहलकारों ने सोशल मीडिया पर तंकीद शुरू कर दी। बैजेस ना लगाना मामूली बात या फिर काबिले सजा? सोशल मीडिया पर हर अहलकार की अपनी अपनी राय। सवालात के अंबार लगा दिए। एलडीए के चौकीदार का सिर्फ एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में हुआ तबादला। सूबाई वजीर ने ट्रांसफर रोकने के लिए सिफारिश कर दी। वजीर इंसानी हकूक एजाज असलम का डीजी एलडीए को सिफारिशी मुरासला। सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सिफारिश की। वजीर इंसानी हकूक ने लेटर लिखने का एतराफ भी कर लिया। सूबाई वजीर खजाना मखदूम हाशिम जवाब बख्त से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात। जारी और आइंदा 5 साल मंसूबा जात और पार्टनरशिप के मंसूबों पर तबादला ख्याल। मौजूदा हुकूमत की तरजीहात के मुताबिक मंसूबा जात में सरमाया और मुशावरत की पेशकश। पब्लिक पार्टनरशिप को बेहतर बना रहे हैं वजीर खजाना। अदाकारी में कमाया नाम, अब गुलुकारी में बनानी है पहचान। स्टेज की मारूफ अदाकारा मेघा के पहले गाने, दिलदार जी का टीजर जारी।